आईपीएल 2018 की शुरुआत 7 अप्रैल से होगी। इस बार आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में पूर्व कप्तान गौतम गंभीर की मौजूदगी नहीं होगी। ऐसे में केकेआर टीम फ्रेंचाइजी के सामने ये मुश्किल प्रश्न है कि किस खिलाड़ी को कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी जाए। इस मुश्किल घड़ी में टीम मैनेजमेंट की मुश्किलों को और बढ़ा दी। ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस लिन ने आईपीएल के 11वें संस्करण के शुरू होने से पहले एक बड़ा बयान देकर अपनी फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल लिन ने कहा कि वो आईपीएल में केकेआर की कप्तानी करना चाहते हैं। एक निजी वेबसाइट से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर टीम मैनेजमेंट मुझे कप्तानी का मौका देती है तो मैं इस भूमिका को जरूर निभाना चाहूंगा। बता दें कि जैक कैलिस ने हाल ही में इस बात के संकेत भी दिए थे कि लिन को केकेआर का कप्तान बनाया जा सकता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि केकेआर टीम मैनेजमेंट क्रिस लिन को ये भूमिका सौंपती है या नहीं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।